हाँ जी, क्या हाल चाल सभी के भाई साहब। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही अलग, बहुत ही हटके, क्योंकि जो कंटेंट है ना वो मेरे पे बहुत तगड़ा है भाई। आज हम करने वाले हैं एक बंदे का इंटरव्यू जो कि बहुत वायरल है, मतलब सोशल मीडिया पे हर जगह हर लोकेशन में किसी के बीच में वो इतना वायरल है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो चलो चलते हैं, उस बंदे को लेके आते करते हैं उसके साथ आज एक छोटा सा इंटरव्यू। समझ के ये मत सोचना कि भाई बंदा बहुत बड़ा है रे, आप उनको भी टपका सकते हैं क्या। तो गाइस, पहली बात बोल रहा हूँ भाई, इस वीडियो को शूट करने में मैं अभी अकेला शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है, तो मेहनत बहुत ज्यादा लगने वाली है और लोकेशन के डायरेक्शन है वो चेंज होते रहेगी। सबसे पहले हम ये करेंगे कि उस बंदे के लिए लिखेंगे हम क्वेश्चन कि हम उससे इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे। राम राम सारे भैया ने, तुम्हारा भाई ले आया है अब इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन। अब करते हैं थोड़ा हलचल। अरे भैया, इसमें तो गीला लग रहा है रे। आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हटके होंगे, बिकॉज थोड़ा मार्केट में दबदबा है ना, जो ज्यादा ही तगड़ा चल रहा है, तो बंदूक थोड़ा छिपा के रखते हैं। सज्जनों और जितने भी सारे दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, तो क्वेश्चन लिखने की बारी आ चुकी है और जो क्वेश्चन है वो होंगे लाइफ से रिलेटिव, अपनी जिंदगी से रिलेटिव, अपने ड्रीम से रिलेटिव, क्योंकि जो हमारे साथ आज आने वाले हैं सेलिब्रिटी वो बहुत ही अलग है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद आपको सीधा दिखाऊंगा वीडियो में, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लिखते जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी वीडियो हो, क्योंकि मैं तुम्हारा दिमाग खराब नहीं करना चाहता। फाइनली अब जो हमारी स्टार्टिंग होने वाली थी वो हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं और जो हमारे यहाँ पे आने वाले थे सेलिब्रिटी जिनका मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ आपके सामने, वो अभी घर पे हैं, उन्हें ड्रॉप करना पड़ेगा। साले ये साले बेरोजगार नगले छपड़ी, साला पूरा काम मैं ही करूँ, साइड पे कुर्सी मैं ही लाऊं, सिस्टम भी मैं ही लाऊं और शूट भी मैं ही करूँ, एडिट भी मैं ही करूँ, अपलोड भी मैं ही करूँ, पैसा ही तो मैं ही रखूंगा, यूट्यूब में आएगा जो अजी कद्दू दूंगा पैसा। आ चुका है उनका सामान, क्योंकि मैं इसको देख के आप कंफ्यूज मत होना, जो आदमी आने वाला है भाई उसका बेस्ट गेम है शायद ये क्रिकेट। ये डायरेक्शन होगी उनकी, बाकी ये डायरेक्शन होगी हमारी। तो दोस्तों हम पधार चुके हैं। अबे सर, सर ले आ गए अपने तो। सर 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 दिखाएं, रुक जाओ सर। माय प्लेजर ब्रो। अरे यार बहुत गंदा रहा। तो भाइयों एंड बहनों, जिसका था हमें इंतजार, वो आ चुके हमारे साथ और आप करेंगे थोड़ा इनसे हलचल बातें और दिखाएंगे आपको कि आज के इनके क्वेश्चन का उत्तर क्या क्या है। बाकी हमने सारे क्वेश्चन जो है लिख दिए हैं। अरे भाई ये कुछ गजब। तो भाई सर कट्टे की जरूरत पड़ेगी क्या? भैया देखो, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा क्या। तो भाई आज आ चुके हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे, इंटरेस्टिंग लोगों के साथ, नई नई जगह, नई नई बातें हम बात करने वाले हैं आपके सामने। हेमंत चंद्र जो कि उत्तराखंड के एक निवासी हैं और आज तक इनकी सोशल मीडिया पे 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और ये अपने बड़े बड़े पॉडकास्ट करते रहते हैं बड़े बड़े चैनल पे, लक्ष्य चौधरी, ठगेस, मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके साथ आज तक पॉडकास्ट कर चुके हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना इनके साथ इनके घर जाके इनके गांव में इनके साथ एक वीडियो बनाई जाए। पेमेंट आ जाएगी ना मेरी पॉडकास्ट वाली? सर चाय पानी कुछ लोगे? देखो चाय पानी तो ऐसा है कि चाय पानी मैं पीता नहीं, अगर कुछ ठंडा वगैरह तो। सर कुछ बातें होंगी आपसे, हलचल होंगी, नई नई बातें होंगी आपकी लाइफ के बारे में, हमारी जिंदगी के बारे में भी, क्योंकि हमारा भट्टा तो बैठ चुका है यूट्यूब का। हंसने की बात नहीं है सर, देखो आप इतने बड़े लेवल पे हो तो हमें हमें अपने पे थू होता है थू। देवी और सज्जनों अब करते हैं स्टार्टिंग वीडियो की और आज इनके सामने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। फैंस लोग आ रहे सेल्फी लेने के लिए। अरे कलवा के लौंडे साइड को जा बेटा, आ रहे हैं थोड़ी देर में शूट कर रहे हैं सर थोड़ा। सर एक क्वेश्चन है आपका पहला। हाँ जी। तुम्हारी जिंदगी हमसे थोड़ा अलग है, सैड तो हम भी रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इतना सैड आप क्यों रहते हो? जनरली मैं आपको बताता हूँ कि भाई बात ऐसी ना कि ज्यादा ना यार मेरे को चिल्लम चिल्ली पसंद नहीं है, सिंपल सिटी में रहना मैं पसंद करता हूँ। और रही बात सैड रहने की, तो ऐसा है कि क्योंकि विराट कोहली के शतक नहीं आ रहे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये ना क्रिकेट के बहुत बड़े लवर हैं, यही तो रीजन था कि मैं सैड था, बाकी मेरी जिंदगी में कोई ऐसा सैड का वो है ही नहीं। एक क्वेश्चन ये है पब्लिक का, क्या मेरा भी, क्योंकि मेरी वीडियो में बहुत सारे कमेंट आते कि उनका पॉडकास्ट करो और उसमें भी क्वेश्चन पर्सनली आए हैं मुझे कि लाइफ का सबसे बेस्ट ड्रीम क्या है आपका, कि जो आपको करना है पूरा। ड्रीम मैं तुम्हें बताता हूँ जनरली कि भाई मेरे दो ड्रीम थे बचपन से, क्रिकेटर बनना, दूसरा पुलिस में निकलना था मुझे, ठीक है।
और फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, समय के साथ में बड़ा होता गया, तो फिर हम यूट्यूब कर रहे थे मैं संतोष, तो हमने सोचा कि काश हम यूट्यूब में आगे चले जाए। आज तक की आपकी जो बॉलीवुड की मूवी है सबसे बेस्ट मूवी कौन सी है? इंटरेस्टिंग है, कबीर सिंह इज माय फेवरेट। मैं बता दूं कि कबीर सिंह मूवी जो है एक लव स्टोरी के ऊपर बनी थी, कबीर सिंह एंड सेकंड है ABCD 2। देखो लाइफ का सबसे बेस्ट दिन कौन सा है आपका? यार दिन था ऐसा, मैं एक दिन नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे दिन रहे मेरे, ठीक है। जब मेरे भाई बहन की शादी होती है तब मेरे को वो दिन मेरा अच्छा। घर में अगर कोई सेलिब्रेशन होता है तो सेलिब्रेशन, यार सेलिब्रेशन का तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ जिस दिन विराट कोहली शतक मारता है वो दिन बेस्ट हो जाता है। एक यूनिक क्वेश्चन है, एक अट्रैक्शन है, लव अट्रैक्शन के बारे में कुछ बात करना चाहोगे? कौन है अभी आपकी लाइफ में? ये सब फालतू चीजें हैं, मैं तुम्हें सच्ची में बता रहा हूँ भाई। अगर मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ ना भाई, कई लोगों को लगता है कि हाँ हेमू भाई नहीं, भाई अकेले रहो, खुश रहो, अपने दोस्तों के साथ रहो, बहुत खुश रहोगे, कभी मतलब किसी चीज की कमी नहीं होगी तुम भाई। दिस इज रियलिटी कि यार पता है लाइफ में ना अट्रैक्शन अलग चीज है, अपना माइंड डाइवर्ट मत करो, ठीक है? सही बात है भाई, बट पता है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़के जो है ना भाई पढ़ चुके हैं इस चीज में, है ना। इससे पता क्या होता है, एक तो जिंदगी में क्या होता है हमारे बोझ बन जाता है, बोझ बन जाता है, टाइम वेस्ट, ठीक है। हम कुछ करना चाहता आगे को कर नहीं पाते क्योंकि तो थिंकिंग हमारी वहीं जा रही है, तो इसलिए हर चीज ना एक लिमिट पे होती है भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन एक बहुत ही करंट का क्वेश्चन है आजकल के टाइम पे, फाइनल में इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? फाइनल भाई बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं वर्ल्ड कप फाइनल के लिए, क्योंकि इस साल हमारी जो टीम ने जो किया है वो भाई पहली बार ही हुआ कि हम वर्ल्ड कप के लगातार 10 मैच जीते हैं और 11वां भी जीतेंगे और वर्ल्ड कप भी जीतेंगे उसके साथ में, उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और हाँ शुभमन गिल, तीनों का शतक आ जाए, इंडिया बस कैसे भी करके वर्ल्ड कप जीत जाए भाई, तो भाई मजा आ जाए। श्रेयस अय्यर को भी कम मत समझो, ठीक है भाई, सब मैं बोल रहा हूँ 11 के 11 प्लेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए वर्ल्ड कप जीतने में, ऐसा नहीं कि किसी की भी परफॉर्मेंस खराब होनी चाहिए, हर किसी की परफॉर्मेंस काम आनी चाहिए, वैसे तो काम आ चुके क्योंकि तभी हम 10 मैच जीते भाई। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा चेंज है क्योंकि ये है प्लस माइनस, मतलब होता नहीं कि ये चूज या ये चूज, ठीक है। तो क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको एक ही शब्द में मिलने वाला है, ठीक है सर? ये इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। शहर या विलेज? भाई विलेज ऑलवेज। अच्छा ड्रिंक के बारे में बात करूं या फिर एक सॉफ्ट ड्रिंक आप इंटरेस्टेड हो जिसमें? यार सॉफ्ट ड्रिंक नेवर। अच्छा क्रिकेट या मोबाइल? क्रिकेट ऑलवेज क्रिकेट। एक क्वेश्चन है, विराट कोहली या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा? भाई विराट कोहली भाई, कोई मतलब जहां पे विराट कोहली का नाम आ गया वहां से मतलब कुछ नहीं भाई, भाई विराट कोहली है सब कुछ। ट्रैवल या फिर सोना आपको पसंद है? यार ट्रैवल अलॉट। अच्छा लव या दोस्त? यार दोस्त। भाई ये क्वेश्चन मेरे लिए होता ना, मैं बोलता चलो हटो सारा दोस्तों भाड़ में जाओ। सच में कह रहा हूँ ये क्वेश्चन मेरे लिए होता, मैं बोलता दोस्तों निकलो मुझे जाना तुमने प्यार के पास। अगला क्वेश्चन है, कभी लाइफ में ऐसा ख्याल आया कि मैं ड्रीम्स को लेके या फिर किसी भी चीज को लेके यार नहीं आई एम मैं गिव अप कर रहा हूँ? यार हुआ था जब मैं आर्मी की भर्ती मारने गया था यहाँ से, मैं मेरे दोस्त लोग गए थे, हम सभी गए थे, तो हम में से कोई भी नहीं निकला था, इसलिए कोई भी नहीं निकला था, तो उस टाइम पे मतलब मेहनत करी थी मैंने, आधा आधा एक एक घंटा भी सोया हूँ मैं रातों में टेंशन की वजह से, पढ़ा भी बहुत था मैंने उस टाइम पे, तो नहीं हो पाया किसी मतलब क्या ही रीज़न बताओ तुम्हें, अब नहीं हो पाया था उस टाइम पे, तो हाँ उस टाइम पे लगा था कि भाई अब से नहीं करना यार ये, मैं इस फील्ड में आना ही नहीं चाहता मैं, तो फिर गिव अप कर दिया था ना मैंने उस, ना? उस जॉब से मैंने गिव अप कर दिया। मुझे लग रहा है कि भाई जो हमारे ये आए हैं अतिथि यहाँ पे ये क्वेश्चन सुन सुन के बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, इसलिए मैं अब लास्ट क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, और ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है लेकिन है सिंपल सा, कोई ऐसा बंदा या बंदी जिसके साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप किसे चूज करोगे? ऑब्वियसली संतोष असवाल। इसके साथ टाइम का पता नहीं लगता ना, ठीक है, और रही बात लड़की की तो श्रद्धा कपूर मैम। श्रद्धा ड्रीम है भाई उनसे मिलना मेरे को, और विराट कोहली सर तो टॉप जाना है, मैं बोल रहा हूँ जिस दिन मैं मैच देखने गया स्टेडियम में मैं भाग के जाऊंगा पिच पे, सर से मिलूंगा भाई, बाद में मार पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। नहीं देखो मैंने क्वेश्चन बनाए थे एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के लिए, लेकिन सच में कह रहा हूँ ये वीडियो ऐसी बन चुकी है ना कि ये ना रियल लाइफ के ऊपर हो गई,
स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन ऊपर के चले थे, मुझे लगा चलो मैं ना यूट्यूब में एक फेम खाने के लिए या फिर लोगों को दिखाने के लिए मैं एक कॉमेडी टाइप की बनाऊंगा या फिर मैं बड़े बड़े क्वेश्चन रखूंगा उससे अच्छा लगेगा। लेकिन यार पता कह रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल लाइफ में आ चुके हैं हम दोनों के। जो मैंने क्वेश्चन पूछे ऑलमोस्ट जितने जवाब मैंने दिए इसके तरफ से भी सेम ही। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ संतोष भाई से, हाँ कि भाई यूट्यूब में फेमस होने की क्या ट्रिक है? ये जो क्वेश्चन है भाई, सच बताऊं तो ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि अगर ये मुझे पता होता नहीं हम भी हो जाते लिटरली। अगर ये मुझे पता होता ना भाई कि यूट्यूब में वायरल कैसे होते हैं या फिर कैसे आप यूट्यूब में ग्रो कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, तो मेरे को कुछ नहीं पता। लेकिन मैं जहां तक एक सलाह दूंगा सबको जो भी देख रहा हो वीडियो, छोटे क्रिएटर या बड़े क्रिएटर, भाई पता क्या, अगर तुम्हें यूट्यूब में वायरल होना है तो फर्स्ट चीज ये है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और सेकंड चीज ये है कि भाई तुम्हें ना ट्रैवल करना पड़ेगा ब्लॉग, अगर जाना है ब्लॉग में जाना है तो, और तीसरी चीज भाई कैमरा क्वालिटी कुछ तगड़ी होनी चाहिए भाई। हाँ ये तीन चीजें मैं बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, और चौथी चीज भाई मेन इम्पोर्टेंट, वो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, बैकअप होने चाहिए। क्योंकि देखो अगर पैसा होगा तो तुम ट्रैवल करोगे, ठीक है, इन्वेस्ट करोगे, कैमरे लोगे, अगर तुम्हारे पास कैमरा क्वालिटी अच्छी होगी तो तुम यूट्यूब में दिखा सकते हो कि हाँ दिस इज क्वालिटी। और भाई सबसे मोस्ट चीज ना तुम्हें करना है, देखो कुछ लोगों के पास कैमरे ही पड़े होते हैं, पैसा ही पड़ा होता है, लेकिन वो करता ही नहीं है। तो मैं तो भाई सिंपल से फोन से ब्लॉग बनाता हूँ, इसलिए फिर भी कर रहा हूँ यार। होंगे भाई वायरल, हम भी होंगे। तो हे गाइस सभी को भाई मेरी तरफ से, भाई हमारा जो वीडियो का जो पार्ट है वो पूरा हो चुका है, बाकी हमने इसके साथ सारी बातें कर ली है, टॉकिंग कर ली है, मैंने जितने भी सारे क्वेश्चन लिखे थे। और स्टार्टिंग में मुझे पता है वीडियो में बहुत कॉमेडी हुई थी, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टार्टिंग भी किया था ना मैंने, थोड़ा वैसा था और भाग भी रहा था तो मुझे, पर हाँ मैं ये हमारा ब्लॉग है ना, जैसे मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि एक कल जो चैलेंजिंग वीडियो आएगा एक उसके बाद आएगा, वो मैंने सोचा है, इसको भी नहीं पता, वो मैं अभी इसको ऑफ कैमरा बताऊंगा, वो हम ये चीज करने वाले हैं, तो बहुत ही मजा आने वाला। तो भाई आज का वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे एंड कर दूं यार, क्योंकि अब मैं यहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करूंगा ना, वो तो है। तो ये वीडियो थी खाली एक टॉकिंग के लिए, मतलब बातें करी हमने, खाली हमने जनरली एक नॉर्मल सा, पता है मैंने क्वेश्चन भी इसके लिए रखे थे, वो सेम इसकी लाइफ के ऊपर है। तो इसलिए अभी का टाइम ऐसा है कि हम कर रहे हैं इस वीडियो का एंड, आई होप कि आपको इस वीडियो को देखकर बहुत ही मजा आया, वो इंटरेस्टिंग होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में ब्लॉग में। और हाँ एक चीज़ और भाई, शॉर्ट वीडियो भी देखो ठीक है, चैनल पे शॉर्ट भी डलनी है कंटिन्यू, वो एक न्यूज़ के ऊपर है जो लेटेस्ट की होती है, मतलब जो नई नई चीज़ें आती है कंटेंट होता है मैं उनको डालता हूँ। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है।